अच्छा दसवीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे, अब हो गया आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के यहाँ पर 2023-24 के लिए वार्षिक परीक्षा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, सभी क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। बढ़िया से मेहनत कीजिएगा। जिस विद्यार्थी को अभी भी 75 में से 60 से 65 अंक चाहिए, देखो सभी टिक मार्क लगा दिए यहाँ पर, चाहे क्रम संयोजन हो, शुद्ध अशुद्ध हो, चाहे 15 क्वेश्चन, सभी के यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो देखिएगा सृष्टि आ जाएगा। तो अच्छे से अंक चाहिए तो मात्र 2 मिनट दीजिए, उसी में आपका पूरा खेल रचा देंगे, है ना। मात्र 1 से लेकर आपके 23 क्वेश्चन तक पूरा मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो रामायण आ जाएगा, सृष्टि आ जाएगा, जैसे हम पेज पलटेंगे सभी चीजें आपको यहाँ पर अनेबल मिलने वाली है ना। फूल तैयारी करिएगा, जिस प्रकार हिंदी में मदद की तो उसी प्रकार आपको संस्कृत में और अदर सब्जेक्ट जो रहेंगे उसमें मैं मदद करने वाला हूँ। तो बढ़िया से मेहनत करिएगा, फलाया जाएगा, अपी आ जाएगा, और इसमें भी देखोगे तो आप रिक्त स्थान की बात करें तो रिक्त स्थान भी मैंने प्रोवाइड करा दिया। मतलब आप चाहे रिक्त स्थान हो, जोड़ी हो, एक वाक्य हो, आम नाम हो, क्रम संयोजन हो, शुद्ध हो, श्लोक हो, सभी चीजें क्या क्या बताऊं, तो मात्र आप तो बड़ा सा स्क्रीनशॉट ले और चलते चले, अब चलते हम रिक्त स्थान की तरफ। पूरे रिक्त स्थान में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, सभी का देख लीजिए, मैंने सभी टिक मार्क लगा ली है ना। तो पहला देखिएगा, कृषि विशेषणम विशेष पदम डेडेस अस्ति, तो क्या आ जाएगा, आकर्षम। दूसरा आप देखोगे तो जन्नी, तृतीय में तनु, पूरा आप यहाँ से देखिएगा पूरा, यदि आप भी ध्यान भी चूक जाते हो, भूल भी जाते हो ना, तो ऊपर देख लेना, ऊपर आपको यहाँ पर पूरे प्रश्न देंगे, बस आपको क्या करना है, सभी उत्तर दिए रहेंगे, बस आपको क्रम से जमा लेना कि पहले पे क्या आ जाएगा, दूसरे पे क्या आ जाएगा, बस इतना काम करना आपको। आपको यहाँ पे सोचना नहीं कि भूल गए तो आप क्या आएगा क्या आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। सही जोड़ी भी टिक मार के पूरी चीजें बताने वाला हूँ। विद्याभ्यास की बात करें तो दीर्घ संधि रमा पिलसी सर, तो रमेश गुण संधि। गायक की बात करूं तो अयादि। चोरात भयम में क्या आ जाएगा, चोरात भयम में आपका चौथा पंचमी तत्पुरुष। पंचमटी की बात करूं तो आपका दिग्गु समास, और अत्याचार मतलब आपका यन संधि है ना। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका आ जाएगा एक पदेन, हुसी तुम इतस्मिन पदे प्रत्यस्ति तो तुमुन, हसन इतस्मिन पदे का प्रत्यय तो शरत प्रत्यय, क्या आ जाएगा, शरत प्रत्यय। बालिका इतस्मिन पदे प्रत्यय टाप बुद्धिमती तो गहन काने और जम्बुकम और पद ध्वनिना, क्लियर है। आम नाम है ना, तो आच्यत इतस्मिन पदे यच धातु आम, भवी इतस्मिन धातु रूपे एक वचनम आम, गक्षम इतस्मिन पदे प्रथम पुरुष ना ना, और अत्याचार में आम, प्रति एक तस्मिन पदे प्रति उपसर्ग आम, क्लियर। छठे क्वेश्चन से आपको दो दो नंबर के ना, तो बुद्धमति केन है ना, कभी किम प्रकते सारनाम इच्छति, और चातक की धर्म मानी कथी है ना। जल्दी जल्दी में कभी कोई वर्ड इधर उधर हो जाए तो एडजस्ट जरूर कर लेना, तो टाइम कम बचा है ना। यहाँ से पूरा सोल्यूशन आपको देखो ये बताने वाला हूँ, पर इससे पहले जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं मिले, मात्र छोटे छोटे दो नंबर मिलेंगे आपको, तो ये आप कर लेना है ना, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, और ये नहीं हो पाया। 13वें से पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, 13वें क्वेश्चन से है ना, बाकी का इतना बीच का आप कर लेना, क्लियर हो। अधिकतर आपको याद भी होंगे, 2-3 क्वेश्चन याद होंगे, 1-2 करने रहेंगे मात्र आपको। 13वें में आपने श्लोक कर किया होगा, जो सभी बच्चों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग, और यहाँ पर देखोगे तो शुद्ध करना आपको, तो राम सर्पात विभक्ते, तो आपको यहाँ पर सर्पात आ जाएगा, माम खदम खदामी खदामी आ जाएगा, तव आ जाएगा, रामायण आ जाएगा, क्लियर है। देखो फुल सोल्यूशन मिलने वाला है यहाँ पर, देखिए फिर रिक्त स्थान जैसा आ जाएगा 15वां क्वेश्चन में ना, तो ये देख लीजिए ना, यहाँ पर सभी क्वेश्चन देखिए, पहला क्या जाएगा, सदा आ जाएगा, दूसरे में आपका जाएगा संख्या, तीसरे में रिपु, चौथे में बात करो बुद्धमती, पांचवा प्रथमो, और छठे में एव है ना। बड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घटना क्रम मतलब क्रम संयोजन आपके देखिएगा है ना, मतलब क्रम संयोजन की बात कैसे करो, एक स्टोरी दी रही उसको ऊपर नीचे कर दिया, आपको क्रम से जमाना है, पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो आपको नहीं भी पता है ना, तो सबसे जो लास्ट में लिखा उसको सबसे पहले लिख दो, नंबर एक दिया मैंने, फिर जो आपको ऊपर लिखा उसको दूसरे पे लिख दो, अब तीसरा देखो यहाँ पर है तो तीसरी लाइन को तीसरे में लिख दो, चौथी लाइन को यहाँ पर, मतलब मैंने क्रम लिख दिया, पहला ये पहले पे आएगा, ये दूसरे पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा, और ये चौथे पे आएगा, क्लियर है। तो आप समझो 2, 4, 6 क्या लिख दिया है सर ने, ये गड़बड़ कर दोगे ना, वाच्य परिवर्तन आपको कर लेना है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे है ना, तो आपका 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां छाटने के रहेंगे, मतलब यहाँ से मुफ्त के नंबर रहेंगे 10 से 15 नंबर के ना। क्या करोगे, इसमें से आपको छाट कर लिखना है, कोई क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं करने, सीरीज में मिल जाएगा आपकी, ये भी आपको सीरीज में मिल जाएगा। तो भाई देखो यहाँ क्वेश्चन दिए, इसमें से आपको आंसर लिखना है ना। जैसे हम पेज पढ़ेंगे 19वां, मैं जस्ट आपको बताया भी कि इसी में से ढूंढने के रहेंगे, ये आपका 19वां जहाँ तो आ जाएगा, ये आपका अथवा का आ जाएगा प्रश्न है ना। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे आगे, तो ये आपका 20वां आ जाएगा,
और 20वां के ये प्रश्न आ जाएगा ढूंढने के, कहा था ना 18वां 19वां 20वां 21वां। हाँ भैया आएगा ढूंढने के, भरोसा रखिए, है ना। फिर बोल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये 19 21वां आ गया है ना, थोड़ा सा पिलर मार रहा, थोड़ा सा ऊपर ये है ना, ये आ गया 21वां। और जैसे आप पेज पलटोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा उसके प्रश्न। 22वां में हम एक साल से पढ़ता है एप्लीकेशन पत्र, जो हमने किया था अपने एप्लीकेशन कर ली होगी 4-5, और 4-5 लेटर कर लिए होंगे, मतलब पत्र कर लिए होंगे, और 2 आपने निबंध किए होंगे, तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा। तो इसी प्रकार मैंने आपको यहाँ पर संस्कृत का जो सेट डी था 2023 वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझा दिया। साथियों भरोसा रखिए, अच्छे से मेहनत करिए, यदि जो विद्यार्थी अच्छे से मेहनत करेगा उसे 75 में से 60 से 65 अंक आने की संभावना रहने वाली है।